फोटो वाला कप दिखाओ ना सिस, उसमें एक इंसान की गर्दन नहीं है, देखना चाहोगे? बस छोड़ दो, अभी फोटो के लिए समय नहीं है। नहीं दिखाती हूँ, गेम पे देखो फोकस करो यार, अभी हम जीत रहे हैं। देखो स्नाइप, देखो स्नाइप देखो लाइन आएगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई चैनल विद अनदर न्यू रिएक्शन भिडियो। आजको भिडियो हामीले सुरेश भाइको भिडियोमा रियाक्ट गर्न जाँदैछौँ। डेफिनेटली सुरेश भाइको भिडियो त मैले रियाक्ट गरिरहेको थिएँ पहिला, अहिले आयुष भाइको भिडियोमा रियाक्ट गर्न सुरु गरेँ। अब मैले सुरेश भाइ र आयुष भाइको भिडियोमा बराबर रियाक्ट गर्छु, किनकि फर्स्ट मैले रियाक्सन गर्न सुरु गरेको हाम्रो सुरेश भाइको भिडियोबाट। सो हाम्रो आलिजा बहिनीको नेपालको टुर थियो, दुबईबाट नेपाल जाने, नेपालबाट फेरि दुबई आउने, त्यसपछि मैले उहाँको पुरा भिडियो कभर गर्न कोसिस गरेछ। सो आई डिड इट। सो फाइनली मैले अब सुरेश भाइको पनि भिडियोमा रियाक्ट गर्छु र एलिजा बहिनीको पनि, होइन दुवैजनाको भिडियोमा रियाक्ट गर्छु। सो फाइनली आज मैले सुरेश भाइको भिडियो लिएर आएको छु। सो यो भिडियोमा हाम्रो सुरेश भाइ र हाम्रो एलिया बहिनीको हल्का झगडा भयो या रिसारिस भयो भन्ने कुरा मैले सुन्थेँ। आई डोन्ट नो वाट ह्यापन। सो म गएर भिडियो प्ले गर्छु र त्यहाँ हेर्छु के भएको एक्चुअलीमा, र रियाक्सन पनि सँगसँगै गर्छु। र किनकि मैले यो भिडियो अहिलेसम्म हेरेको छैन, त्यसपछि मैले अहिले तपाईँलाई केही भन्न सक्दैन। त जाम सिधा सुरु गरौँ भिडियो, र तपाईँले पनि हेर्नु, मैले पनि हेर्छु यहाँबाट, र सबैले मिलेर हामीले यो भिडियोलाई रियाक्ट गरौँ। डक्टर आलिया बहिनी किन रिसाउनु भयो, आखिर के प्रब्लम हो, जाम भिडियोमा बुझौँ है त। लेकिन जानुभन्दा पहिला साथीहरू च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ र च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने छिटो च्यानललाई लाइक र सब्सक्राइब गरेर अलको नोटिफिकेसन बेल आइकनलाई अन गरिदिनु नेक्स्ट भिडियोको लागि। सो टाइम पास नगरी सुरु गरौँ आजको भिडियो। रेडी हुनुहुन्छ? Let's go. आप लोगों ने देखा है बात? ओके। यस या नो? उधर लिखो, उधर लिखो। नहीं है? भीगे होठ तेरे, ओके। नाइस सॉन्ग। सॉन्ग तो रामो सा, हमको सर्वे अलग ना गाऊं वाला। दिखाओ माला, दिखाओ माला। यूट्यूब पर वीडियो है, इसमें ठेक के कॉपीराइट क्लेम आई जगह। अगर म्यूजिक स्टार्ट हो जाए। गुराँसको फुल जस्तै लगाउनु भयो, राम्रो देखिनु। किसले दिया? नीवा कलेक्शन बोलो ना, क्या क्या बोल रही है यार, थोड़ी शर्म करो यार, लाइट पे ऐसा नहीं बोलते। हिम्मत करो, तेरा माहिरे माहिरे अरे मेरा तो स्पीड चैलेंज कंप्लीट नहीं हो रहा यार, क्या है रे, क्या है यार, मैं मेरा हो गया तो मैंने क्या कर लिया। हां फाइनली आपका डॉक्टर आ गया, मैं एउटा गेम जीत सक्नु भनेर चाहिँ गेम मैच लगाएको रहेछ दुई जना मिलेर। अच्छा नहीं है साथिया, ओ साथिया तूने क्या किया, दियो ना कभी करना इंतजार। पापा थैंक यू, राजेश दाई थैंक यू, राजेश दाई थैंक यू, रश्मि थैंक यू। 10,000 पे जीत के दिखाओ तब मानो। चीटिंग है ये भाई, चीटिंग है, तुम चीटिंग करते हो। पापा थैंक यू, वन नो थैंक यू, थैंक यू लक्ष्य, थैंक यू श्रीजी, थैंक यू सो मच। हेलो नेपालमै हुनुहुन्छ कि फर्किनु भयो, खै आई डोन्ट नो, बट फर्किनु भयो होला किनकि नेपालमा जानुभएको थियो। उहाँको दुई तिनवटा भिडियोमा पनि मलाई रियाक्ट गर्थे, उहाँको डक्टर आलियाको ब्लगमा पनि, अनि हामीको सुरेश भाइ दुई तिनवटा भिडियोमा मैले रियाक्ट गरेको थिएँ जो स्टिल नेपालमा हुन्थ्यो त्यतिखेर। सो अहिले चाहिँ आई डोन्ट नो बिकज आफ्टर लङ टाइम आइ एम रियाक्ट उहाँहरूको भिडियोमा रियाक्ट गर्दैछु। सो कौन है वो? एक इंसान था, फोटो वाला कप दिखाओ ना सिस, उसमें एक इंसान की गर्दन नहीं है, देखना चाहोगे? मैं छोड़ दो, अभी फोटो के लिए समय नहीं है। गेम पे फोकस करो यार, अभी हम जीत रहे हैं। देखो स्नाइप, देखो स्नैप लाइन आएगा, अभी लेके आएगा। अरे लाइन मारने में कितना मजा आता है गाइस, आप लोग ट्राई करके देखो।
लाइन मारने में बहुत मजा आता है, मजा आता है। मैंने भी मारा था दो तो पड़ती है तो जब और भी मजा आ जाएगा मेरे यार भाई। गाइस इधर 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 करके देखो, मारा इसने मुझे ही था, मुझे मार के बहुत अच्छा लगा था कि आगे इधर मारो। नहीं मैंने सिखाया ना, लाइन मारने में बहुत मजा आता है। बस तू वो लाइन इतना मुझे ट्राई करके देखो। लो मैं कयामत तक हुआ तेरा माहिरे माहिरे माही। देखो देखो अब स्कोर देखो, देखो स्नाइप देखो, स्नाइप स्नाइप देखो, लाइन देखो अब देखो, देखो देखो स्नाइप देखो देखो देखो। नहीं नहीं छोड़ दो उसको, जीतने दो, रोगी फिर। देखो वाला होता वहाँ लॉस हो इसलिए मैं किसी को रोते हुए नहीं देख सकता गाइस। इट्स ओके इट्स ओके इट्स ओके। देखो देखो स्नाइप करके भी हार गया, देखो देखो गाइस इधर ऊपर स्कोर देखो, स्नाइप करके भी हार गया। स्नाइप करके भी हार गया। नहीं मैंने रोक दिया, मारने ही वाला था, ऐसे करने वाला था, ऐसे कर दिया फिर। क्या क्या देखना पड़ा बेचारा, फिर इससे छत में आंधी होगा। अकल से या सकल से? अकल से तो पहले ही अंधी है ना। आंखों से भी शायद मैं ये मैच, ये मैच देखो ये फाइनल है। 1-1 1-1 हो गया, 1-1 हो गया, ये फाइनल है। 10,000 का स्कोर लेके आना ठीक है, चैलेंज दे रही हूँ। मैं सोचे थे यहाँ मैं जो थंबनेल हेरे थे त्यसमा हैन डाक्टर आलिया र यो सुरेश भाई को झगड़ा भयो भन्ने त्यहाँ लेखिरा छ, सो त्यस्तो केही पनि छैन भिडियोमा। माथि पे फूल रख के प्यारी बन के दुईजनाले मजाले खेलिरहेछ गेम, और आलिया पनि दुईटा विन गरिसक्नु भयो, सुरेश भाईले 0, डाक्टर आलियाले 100% जित्नुहुन्छ। कप्ले गयो जसले एक इन्सान का सर नहीं है, देखाऊ। रुको रुको जरा यार, रुको रुको, जिसमें इंसान का सर नहीं के फोटो है, मैं लेके आऊं सब सब कमेंट में स्पैम कर रहे हैं। लेके आओ क्या है, कब 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 के ऊपर ना दो 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 लोगों की फोटो थी, एक तो मेरी थी और जो मेरे साथ वाले इंसान की थी ना वो मैंने काट दी। इतना मजा आया। ए आई एम कुशेश भाई को पूरा कर रहे जस्तो लाग्यो मलाई। मेरे पास भी एक कप, मेरे पास भी एक कप, उसमें भी साथ वाले इंसान की फोटो नहीं होगी है ना। हाँ मेरे पास भी वैसा ही है, लेकिन मेरा तो अच्छा है, बस मैंने तो कोलिन लगा के पूछ के रखा है। क्या लगा के? कोलिन, साफ करने वाला कोलिन। मैं वो लेके आऊँ? रुको पहले जीत के लेके आओ ना। जीत के ले जीत सकती है? नहीं नहीं, अरे 38 फ्लावर मारो यार इसको। अरे मैंने इतना मेहनत करके गाना सुना यार, ये लड़की तारीफ भी नहीं करनी करना था इसको। इतना मेहनत करके दिन भर मैं लिख के इतना सुन के मैंने गाना सुनाया, तारीफ भी करना नहीं आता है। हम का सूरज भाई आलिजा पहिया रो ट्रिपल 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 बैक टू बैक लव यू। पोखरामा अनि धेरै ठाउँमा जानु भयो, र हाम्रो यो नसोच्नु कि हाम्रो सुरज भाइले के गर्नु, सुरज भाइले पनि स्कोर दिएको बहुत राम्रो राम्रो काम गर्नुभयो। उहाँले पनि होइन गरिबलाई यो तपाईँको उसमा जो जाजरकोटमा जो भूकम्प आयो त्यसमा धेरै उहाँले पनि हेल्प गर्नुभएको हाम्रो सुरज भाइले र उहाँको टिमहरूले। सो हि इज अल्सो भेरी यु नो प्योर हार्ट पर्सन। मैले भन्न परेको चाहिँ उहाँलाई मान्छेले अलि बुझ्न गाह्रो गर्छ कि जस्तो लाग्यो मलाई होइन, बट हि इज ग्रेट पर्सन रियली। बस 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 नै होगा, ज्यादा चढाउ मत। कहीँ न कहीँ केही न केही मिस्टेकले मान्छेलाई हल्का मनमा लगाएपछि होइन त्यहाँ साइडमा छोड्छ, त्यो हो त्यो आफ्नो आफ्नो ठाउँमा कसैले कसैलाई केही चिजबाट हर्ट गर्छ, कसैले केही चिजबाट, बट आई एम स्टिल लभ
देम बिकज यु नो उहाँहरूलाई दुनियाँले ह्याड गरे सबै नि तर उहाँ दुईजनालाई आफ्नो आफ्नो एउटा फ्रेन्डसिप हुन्छ नि त्यसलाई छोडेनन् क्या उहाँहरूले. मलाई त्यो चिज धेरै उनको मन पऱ्यो होइन, चाहे दुनियाँले जे पनि गरोस् हाम्रो एउटा साथी बनेको भन्ने इन्टरनेटबाट टिकटकबाट त्यो साथीलाई हामीले नछोडौँ बिचमा जुन उहाँहरू कन्ट्रोभर्सी पनि भयो बहुत नराम्रो तरिकाले होइन. सो तर पनि उहाँहरूले एका दुईजनालाई सम्झे बुझे सो फ्रेन्डसिपमा हिँडेछन् कुरा गर्छन् लाइफमा आउँछन् मिठो मिठो कुरा गर्छन् इन्टरटेनमेन्ट गराउँछन् मान्छेहरूको सो ग्रेट. तुझको मैं अपना बना लूंगा आज फिर तुमसे प्यार आया है बेहद और बेशुमार आया है ना फिकर ना शर्म ना लिहाज एक बार आया है. एक चमाटा मारूंगी ना तेरा मुंह जाके रख दूंगी इस गाने में यार इतना अच्छा गाने में ढूंढ रही हूँ क्या खाने क्या इसको बोला इतना वो गाने में पहली लाइन उसकी है एक चमाटा मारूंगी ना मुंह सुजा के रखूंगी वो ये वाला लाइन क्या गाने कसम से. अरे डरा दिया यार सच सिरियस भाइ उसको भाइ जाके के भन्ने बित्तिकै ती सिरियस भन्दा पनि अझ छिटो अनि सिरियस भयो. एक चमाटा मारूंगी तेरा मुंह सुजा के रखूंगी सम कैसा कैसा सॉन्ग है गाइस डरा के रख दिया. एक टमाटर मारूंगी तेरा मुंह सुधा के रख दूंगी सॉन्ग. आज फिर तुमसे प्यार आया है आज फिर तुमसे प्यार आया है सॉन्ग. बेशरम रंग आता है आपको. आज फिर तुमसे प्यार आया है शब्दको गोली हनान भइरहेछ दुईजनाको तर्फबाट. यो कोही गाना सर्चिङ होइन, यो उहाँहरूले शब्दको गोली हाने हाने एक दुईजनालाई. त फाइनली साथीहरू हामीले रियाक्ट गरेर हाम्रो सुरेश भाइको भिडियोमा आज धेरै दिनपछि रियाक्ट गर्यो. सो मलाई मैले थम्नेलमा देखेको थिएँ कहाँ कहाँ त्यो एकदम सुरेश भाइ र डक्टर आलियाको झगडा भयो भन्ने हिसाब किताब थम्नेल, तर फाइनली यहाँभित्र पस्दाखेरि र भिडियो हेर्दाखेरि त के अरै कुरै थियो होइन. त्यो दुईजनाको यस्तो हाँसी मजाको चलिरहेको थियो तर पनि आइरहेको छन् तिनीहरू अनलाइनमा आएर इन्टरटेनमेन्ट दिइरहेको छन्. यो एउटा हाँसी मजाको दुईजनाको फ्रेन्डसिपको होइन. सो ठिकै लाग्यो मलाई भिडियो, खासै त्यस्तो केही पनि रहन्छ जो मैले थम्बनेल देखेको थिएँ. सो मलाई त ठिकै लाग्यो, मजा लाग्यो भिडियोमा रियाक्ट गर्न पनि. र तपाईँलाई कस्तो लाग्यो कमेन्ट्स गरिदिनु होला कमेन्ट्स बक्समा. सो च्यानलमा नयाँ हुन्छ र च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने छिटो च्यानललाई लाइक र सब्सक्राइब गरेर अलको नोटिफिकेसन बेल आइकन दबाइदिनु नेक्स्ट भिडियोको लागि. सो ठिक छ आजको लागि यति नै, फेरि भेट मलाई नेक्स्ट भिडियोमा. तबसम्म लागि जय नेपाल. Now,